डीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के झिन्ना पिपरिया गांव में एक प्रौढ़ संत की मौत के बाद डॉक्टर ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया कि संत के पेट के अंदर अंग सिकुड़ गए थे, पित्ताशय फूला हुआ था। ऐसी स्थिति तब बनती है जब काफ़ी दिन तक खाना नहीं खाया जाता। थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल ने बताया कि झिन्ना पिपरिया गांव निवासी रविदास पिता जमुना दास बैरागी गांव में एक कुटिया बनाकर अकेले रहा करते थे। जो थे यहीं के रहने वाले थे, 10-12 वर्ष पूर्व से अपने चंदी माता के स्थान खमतरा रोड में वहीं रहते थे। अपने मड़ैया बना के गाँव के लोग आना जाना रहता था, वहाँ उनके चेला थे और बाबा जी बढ़िया रहते थे, स्वस्थ थे। बीमारी मार तो ऐसा नहीं था कि किसी द्वारा मारा गया, वही बात है कि अब हम उसको देखे तो है नहीं, बाकी ऐसे देख उसके जैसे ब्लड देख के तो ये लग रहा है कि जैसे कोई उसका गलत मार के फेंका हो। दास बैरागी हैं जो कुछ वर्षों से वहाँ पे झिन्ना पिपरिया के आगे एक आश्रम है चंडी माता मंदिर के पास में, तो उसमें कुटिया बना के रहते थे। इनके पहले कोई दूसरे संत वहाँ पे रहते थे, फिर बाद में ये करीब 10-12 वर्षों से वहाँ पे रह रहे थे। ये चूँकि अकेले रहते थे, इनकी केयर करने वाला वहाँ कोई था नहीं, गांव के लोग आते जाते इनकी केयर करते थे। और जो साक्षियों ने बताया था और इनके परिजनों ने बताया, इनके भाई ने बताया कि करीब एक हफ्ते से इनकी तबीयत जो है ख़राब रहती थी। इसके पहले से इन्हें टीबी की बीमारी थी और ये खाना वगैरह कम खाते थे, चाय वगैरह पीते रहते थे ज़्यादा। और चूंकि देख रेख कोई करने वाला नहीं था, इसलिए जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर भी थे, पैर में भी एक पैर में बीमारी थी। और जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ये सारी चीज़ें सत्य पाई गई। टीबी की टैबलेट वहाँ पर मिली, बुखार की टैबलेट वहाँ पर मिली, खाना बना बनाया वहाँ रखा हुआ मिला जिसे खाया नहीं गया था। इन सब बातों के आधार पर ये पाया गया कि ये टीबी की बीमारी और भूखे रहने के कारण इनकी मौत हुई है।